हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एन आई वेलेट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोर्स 504 और 5 के जो MCQs है उनके PDF को प्रोवाइड करने के लिए, बट सॉरी टू से कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम के लिए PDF प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। बट डोंट वरी, हम लोगों ने जो यूनिट वाइज है जो कोर्स 504 के सारे MCQs को मर्ज करके हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और हो सके तो पेन एंड पेपर साथ रखिए, तो नोट डाउन कर लीजिए तो एग्ज़ाम के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट बिना किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो कोर्स 504 का जो यूनिट 1 है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एज मैनी एज चॉकलेट टू स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट, टेल देम टू गिव ईच वन वन चॉकलेट बाई दिस प्रोसेस विच मैथमेटिकल कंसेप्ट कैन बी इम्पार्टेड। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सॉर्टिंग, मैचिंग, कंपेयरिंग। तो आंसर है मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच चाइल्ड इज यूनिक इन हीज हर थिंकिंग, दिस इज ड्यू टू देयर परसेप्शन, रिप्रेजेंटेशन, कैपेसिटी ऑफ इमेजिनेशन। तो वन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी डेवलप्ड एट द सेम टाइम दैट वन स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न एडिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिविशन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन ऑर्डरिंग। मल्टीप्लीकेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रोवाइड द स्टूडेंट्स ए रेक्टेंगुलर स्ट्राइप, टेल देम टू मेक अनदर सिमिलर वन एंड कलर, बाई दिस विच कंसेप्ट यू आर जजिंग, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, नंबर कंसेप्ट, सबिटाइजिंग। तो वन कंजर्वेशन ऑफ लेंथ करेक्ट आंसर। विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड, 11 12 ईयर्स टू 14 15 ईयर्स, 7 टू 11 ईयर्स, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है 7 टू 11 ईयर्स। अगर आप लोग को नोट डाउन करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी लिख लीजिए तो अच्छा होगा। तो चलिए, द इक्विलिब्रेशंस अ बैलेंस बिटवीन विच टू प्रोसेसेस कंस्टिट्यूट द बेसिक फंक्शन ऑफ थिंकिंग, एडाप्टेशन एंड एकोमोडेशन, एडाप्टेशन एंड एसिमिलेशन, एडाप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। और एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन फोर्थ ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन, परसेप्शन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम। तो ये चार पॉइंट्स हैं, उन लोग को अरेंज करना है, अरेंज दिस एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। तो ऑकरेंस के हिसाब से आप लोग को इसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऑकरेंस पे आप लोग को लिखना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड व्हीकल ऑफ थॉट्स, तो मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ऑब्जर्वेशन। लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेज वी फाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिम्बोलिज्म, कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड, प्री ऑपरेशन पीरियड, सेंसरी मोटर पीरियड। तो फॉर्मल वाला आंसर है। ओके, लास्ट इज विच वन नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, लर्निंग बाय इंडक्शन, लिमिटेड वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस एंड कंट्रोल बाय यूजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एज पनिशमेंट इन टूल। सो इसका करेक्ट आंसर है 4। सो ये थे 10 के 10 क्वेश्चंस यूनिट 1 से। अभी हम लोग यूनिट 2 के जो MCQs है उसे देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए अभी यूनिट 2 के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्टेटमेंट विच इज वैलिडेटेड बाय यूजिंग द सेम स्टेटमेंट यूजिंग प्रपोज्ड इटरेशन ऑफ लॉजिक इज नोन एज इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गिवन स्टेटमेंट इज नॉट यूज इन प्रूविंग इट बट वी यूज अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वैलिड लॉजिक एंड अराइव एट दैट रिजल्ट, दिस मेथड ऑफ प्रूविंग स्टेटमेंट इज नोन एज कंट्राडिक्शन, डिडक्शन। करेक्ट आंसर इज डिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 से लेके 10 तक है, बेस्ड ऑन बिलो सिचुएशन। तो यहाँ पे एक सिचुएशन प्रोवाइड किया गया है तो उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतर होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट को आपको निकालना है। मैथमेटिक्स इज लर्नर्स फीलिंग, मैथमेटिक्स इज लर्नर इमेजिनेशन, मैथमेटिक्स इज लर्नर्स एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क, मैथमेटिक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट ड्रॉइंग ए प्रिसाइज। तो लास्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, तो आप लोग को ये पैरा पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी रोमिताज वर्क विल बी कैप्ट, तो यहाँ पे जो पैरा दिया गया था उस
उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद उसके हिसाब से आंसर लिखना है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच मैथड इज अप्लाइड बाई रोमिता इन कमिंग टू हर कंक्लूशन। तो डिडक्शन मेथड जो है वो करेक्ट आंसर है। देन रोमिताज थिंकिंग वाज नॉन नॉट मैथमेटिकल मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच अप्रोच वॉज अडॉप्टेड बाई रोहन, इंडक्टिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिकल। तो इंडक्टिव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग ए पैटर्न बाई रोहन वॉज मैथमेटिकल एक्टिविटी, नॉन मैथमेटिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर है मैथमेटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहनस कंक्लूशन वॉज एग्जैक्ट एंड लेफ्ट नो स्कोप ऑफ एम्बिग्यूटी अंडर विच कैटेगरी सच नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कम्स, परसेप्शन प्रिसिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिसिशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को निकालना है। इंडक्टिव अप्रोच इज लेस पावरफुल टेक्निक एज हियर वी डू नॉट डिराइव एनी थिंग। फिर उसके बाद, इंडक्टिव अप्रोच कैन बी यूज एनी वेयर इन मैथमेटिक्स, इंडक्टिव अप्रोच इज यूज फॉर द स्टेटमेंट रिलेटेड विथ पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। तो चलिए अभी यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन फॉर ए चाइल्ड। तो इसका ऑप्शन है मैथमेटाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद थिंक लॉजिकली नन ऑफ दिस। तो मैथमेटाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैथमेटाइजेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोसीजर्स एंड मेथड्स डेवलप्ड इन मैथमेटिक्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर डिसिप्लिन डेमोन्स्ट्रेटिंग वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन इवैल्यूएटिंग अ स्टेटमेंट। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है डेमोन्स्ट्रेशन और वे ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग हायर एम इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू डेवलप द चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली एंड टू परस्यू अजम्पशन टू देयर लॉजिकल कंक्लूशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू हैंडल एब्स्ट्रैक्शन, और लास्ट वन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेलेक्ट द ऑप्शन डिस्क्राइबिंग चाइल्ड्स इनर रिसोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, यूज ऑफ पैटर्न्स रिप्रेजेंटेशन रीजनिंग एंड मेकिंग कनेक्शन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ अबव द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर द स्पेसिफिक एम। तो ऑप्शन 1 है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हायर स्टडी, देन डिजाइन सुइटेबल मेथड्स फॉर प्लानिंग इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस, गाइड टू प्रिपेयर TLM दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिक एम शुड बी इन एक्शन वर्ब पिन पॉइंटेड शॉर्ट एंड अचीवेबल। तो वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका पॉइंट 1 जो है वो है टू डेवलप द पावर ऑफ थिंकिंग इन द चाइल्ड, टू परफॉर्म कॉम्पिटिशन विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसके बाद टू चेक द डाइवर्सिबिलिटी ऑफ नेचर नेचुरल नंबर बाई 5, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो चेक द डाइवर्सिबिलिटी ऑफ ए नेचुरल नंबर बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑप्शन इज विजुअलाइज्ड एज द ग्रेट चैलेंज फॉर मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट ड्राई एंड कम्प्लेक्स, देन रोट मेमोराइजेशन, देन प्रेजेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इन मेजोरिटी एंड टैलेंटेड स्टूडेंट इन माइनॉरिटी, एंड नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इन मेजोरिटी एंड टैलेंटेड स्टूडेंट इन माइनॉरिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच इज सुइटेबल कोर्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फियर फॉर मैथमेटिक्स इन स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन 1 है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, देन ऑप्शन 2 इज पीयर
presence, 3 is lack of awareness of objectives, and 4 is abstract nature. Third, lack of awareness of objective is the correct answer. Next question, select the problem in teaching and learning mathematics. Disappearing curriculum, inadequate learning materials, inadequate teacher preparation, all of this. All of the above is the correct answer. Next question 10. Teachers are guided by their own level of understanding and not to their pupils because teachers lack confidence in the teaching learning process. Option 2. Teachers lack confidence in pupils. A number of instructional objectives are kept and none of this. Correct answer is option 1. That is, teachers lacks confidence in their teaching learning process. तो ये थे 10 questions unit 3 के. अभी चलिए चलते हैं unit 4 की तरफ. unit 4 के जो first question है वो है, which type of methodology of mathematics education is best meetable at elementary level? तो teacher centered, learner centered, society centered, none. Learner center is the correct answer. Next question. Select the most basic and oldest methodology. The option 1 hai inductive method, then deductive method, then analytic method and synthesis method. So inductive method is the correct answer. Next question. Name the process of reasoning in which students observe the relationship in adequate number of cases which lead them guess a common pattern, and lastly a formula or the generalization is arrived. तो ऑप्शन 1 है एनालिसिस, ऑप्शन 2 है सिंथेसिस, देन थर्ड ऑप्शन इज इंडक्शन एंड द लास्ट वन इज डिडक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज इंडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेम द मेथड ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट एंड फॉर्मूला टू एग्जाम्पल. तो फर्स्ट ऑप्शन इज एनालिसिस, next is synthesis, third one is induction and the fourth one is deduction. So the correct answer for this question number 4 is deduction. Next question 5. Name the process of learning methodology where we proceed from conclusion to hypothesis or from unknown to known. So the first option is analysis, then synthesis, induction and deduction. Analysis is the correct answer. Next, question number 6. Which statement is not correct regarding project method of learning? कौन सा correct नहीं है, you have to tell. So the first one, it is a learner-centered individual or group activity. It consumes less time in learning. It contains active participation, freedom to students and correlation with other subject. And the fourth one is none of the above. So the correct answer for this question 6 is option 2. It consumes less time in learning. Next question 7. Which of the statement regarding problem posing method is not true? The first option is it develops the spirit of inquiry. It leads to the learners into unknown territory. Third is it involves searching of pattern. And fourth one is none of this. None of the above is the correct answer. So let's move to question number 8. Select this correct sequence. आप लोग को 5 is correct sequence जो है वो आपको बोलना है. तो आप लोग देख लीजिए, screenshot ले लीजिए. तो इसका correct answer होगा engagement, exploration, explanation, elaboration and evaluation. Question number 9. Identify the statement about concept mapping which is not true. कौन सा ट्रू नहीं है आपको बताना है. तो बेन डायग्राम कैन प्ले ए रोल इन कंसेप्ट मैपिंग. इट प्रोवाइड्स अ कंक्रीट रिकॉर्ड ऑफ द कनेक्शन परसीव्ड बाय द स्टेटमेंट. इट इंडिकेट्स हाउ द स्टूडेंट्स नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बोलना है.
So all of the above is the correct answer. Last question. Which method of learning provide exploration by own and optimum level of learning with joy? Project method, activity method, concept mapping method, and all of the above. एक्टिविटी मेथड इज द करेक्ट आंसर. सो ये थे 10 के 10 क्वेश्चंस यूनिट 4 से. तो लेट्स मूव टू यूनिट 5. तो यूनिट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रियल नंबर सिस्टम्स देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, वन बेस्ड ऑन काउंटिंग एंड द अदर बेस्ड ऑन मेजरमेंट. तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मेजरमेंट. तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर टू, रेशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटीजर्स टू नॉन जीरो एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर सिस्टम. फ्यू नंबर्स आर बियॉन्ड द फील्ड ऑफ रियल नंबर सिस्टम. आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स. तो ऑप्शन वन है 22/7, उसके बाद ई है, देन पाई है, एंड लास्ट वन इज नन. So correct answer is 22/7. Next question 3. Identify the set of uncountable numbers. तो आप लोगों को uncountable numbers का set निकालना है. तो real number है या फिर rational number, integers, natural numbers. तो इसका correct answer होगा real numbers. Next question 4. Identify the incorrect statement about irrational number. तो irrational number के जो incorrect statement है उसे निकालना है आपको. तो sum of two irrational number is an irrational. Point 2, irrational number is non-repeating. Number 3, irrational number has a well-defined place on real number line, and none of these is the fourth option. So the correct option for this question is option 1, sum of the two irrational number is an irrational. Next question number 5, that is if a number is defined as, तो यहाँ पे कुछ root over a to the power m ये सब दिया गया है, आप लोग screenshot ले लीजिए. तो इसमें आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को, क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, एन एक्सीडेंटल नंबर है, या नॉन ऑप्टिस है. इरेशनल नंबर का एग्जांपल है ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिविजर्स आर पॉसिबल फॉर द इंटीजर्स 360. कितने डिविजर्स होंगे 360 के, तो बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है 6, देन 12, देन 24, एंड नन ऑफ दिस. इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर में जो इनकरेक्ट, यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर. टू एंड प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट. प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाई वन और द नंबर इट्सेल्फ. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको निकालना है. ऑप्शन 3, प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये वाला गलत है. नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर अवेलेबल इन द फर्स्ट सेंचुरी, दैट इज 1 to 100. तो ये 1 to 100 में कितने सारे प्राइम नंबर्स है आप लोगों को बताना है. 26, 25, 27, नन ऑफ दिस. इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो फर्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर कैरिंग 3 or 7 एज अ प्राइम फैक्टर और डिनोमिनेटर. देन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर. देन 0.12121212 इज अ रैशनल नंबर. एंड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम ऑफ रूट 2 एंड 2 इज रूट 2 ऑप्शन 1, देन 2, देन 2 रूट 2, नॉट पॉसिबल.
नॉट पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर. सो ये थे यूनिट 5 के 10 क्वेश्चंस. चलिए अभी यूनिट 6 की तरफ चलते हैं. तो यूनिट 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इसका आंसर होगा ए राइट ट्राइंगल. क्वेश्चन 2, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड द रेशियो 5:3:7, द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ए राइट ट्राइंगल, एन आइसोसेलिस ट्राइंगल. करेक्ट आंसर इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. क्वेश्चन 3, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी 50 डिग्री, 65 डिग्री, 145 डिग्री, 155 डिग्री. तो 155 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. तो ऑप्शन 1 है एस ए एस, ऑप्शन 2 है ए एस ए, ऑप्शन 3 है एस एस ए, ऑप्शन 4 इज एस एस एस. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, एस एस ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के लिए कौन सा ट्रू नहीं है आप लोग को बताना है. तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, एंड फोर्थ वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है. सो फॉर दैट ऑप्शन 3 इज नॉट ट्रू, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम विथ पैरेलल साइड ए बी इक्वल टू ए सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू बी सेंटीमीटर, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स. द रेशियो ऑफ ए बी एफ ई एंड ई एफ सी डी इज ए इज टू बी, 3a+b इज टू a+3b, a+3b इज टू 3a+b. Twice a+b is to 3a+b. So option 2 is the correct answer. 3a+b is to a+3b. Next question 7. AB and CD are two equal chords of a circle with center O. OP and OQ are perpendiculars on chords AB and CD respectively. If angle POQ equal to 150 degree, then angle APQ is equal to 30 degree, 75 degree, 15 degree. Is the correct answer. Next, with the help of a ruler and compass, it is possible to construct an angle of 35 degree, 40 degree, 37.5 degree, 47.5 degree. So 37.5 degree is the correct answer. Next question number 9. The ratio of two cylinders are in the ratio 2:3 and heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volume is 10:17, 20:27, 17:27,
20:37। तो 20:27 इज द करेक्ट आंसर। तो 9 के 9 क्वेश्चंस यूनिट 6 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन यूनिट 7 के एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन 2 देखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 7 के, देन क्वेश्चन 4, सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स। उसके बाद क्वेश्चन 5, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टैंडर्ड सिस्टम्स आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच सिस्टम्स, ब्रिटिश सिस्टम्स, इंडियन सिस्टम्स, नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच सिस्टम्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। उसके बाद देखिए कि ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है। तो ऑप्शन है केजी, ग्राम, पाउंड। तो केजी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 9th क्वेश्चन, इन विच कंट्री स्टैंडर्डाइजेशन वर्क ऑफ मेजरमेंट वॉज डन। तो ब्रिटिश, फ्रांस, इंडिया। तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द लीप ईयर इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो लीप ईयर निकालना है 2011, 2010, 1900। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे यूनिट 7 के 10 क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, बाकी के जो यूनिट्स हैं वो हम लोग बाद में प्रोवाइड कर लेंगे। तो अभी के लिए यूनिट 1 से लेकर 7 तक मार्च करके बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।